तो दोस्तों दोबारा आ गया मैं संगति एलईडी लाइट इंडस्ट्री में। तो दोस्तों आज मेरा एक बहुत मतदा मैंने कमेंट कर रहा है मेरा यूट्यूब में, जो 9 वाट कैसे फिटिंग होता है, 9 वाट बहुत कंप्लेन आ रहा है। तो दोस्तों पहले आप समझ लीजिए, 9 वाट का बहुत तरह का डाइवर आता है, बहुत तरह का पीसीबी आता है। पहले तो आपको डाइवर और पीसीबी का जानना चाहिए जो कौन सा अच्छा है, तब जाके रिप्लेस नहीं आता है। और एक बात है, अच्छा मिल भी गया तो जो बंदा फिट अच्छे से नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कुछ फॉल्ट हो जाता है, उन लोग को कुछ चेक नहीं करता है ड्राइवर ये सब ठीक है कि नहीं, लूज है कि नहीं। वो लोग बंदा क्या करते हैं, वो लोग ठीक तरह से नहीं जान पाता है, इसलिए वो लोग जैसे तैसे करके फिटिंग करके वो लोग डाल देते हैं और मार्केट पे छोड़ देते हैं, क्योंकि मार्केट पे तो एक दिन का बिजनेस नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम तो 5 ईयर उसको रहना चाहिए, जो अच्छा क्वालिटी बनाओगे तो 5 ईयर्स रहेगा तो आपको नाम भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कस्टमर आपको ही बार बार ढूंढेगा। तो क्वालिटी बेसिक से काम करना सीखो और अच्छा काम करो, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो इसको कैसे 9 वाट फिटिंग कर जाता है और आराम से इसको बेच भी कह सकते हो। तो मैं आज दिखाऊंगा ये वीडियो के माध्यम से, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आइए, ये वीडियो मैं शुरू कर रहा हूँ। अभी 9 वाट इस पे क्या क्या लगता है आपको बोल दे रहा हूँ दोस्तों, जो बंदा नहीं जानता है वो जान लीजिए। तो इसके लिए टिक्की और ये डिफ्यूजर और हाउसिंग एक सेट आता है दोस्तों, ठीक है। ये सेट मिल जाएगा आपको, हम लोग के पास से ही मिल जाएगा और अच्छा क्वालिटी में मिल जाएगा। और ये आता है दोस्तों ये एमसीपीसीबी, आप एमसीपीसीबी का क्वालिटी देख सकते हो, इधर लिखा है क्वालिटी ए ग्रेड का, ए ग्रेड क्वालिटी पे ही हम लोग बेचते हैं, ठीक है। और इस पे देखिए, फिर आता है डाइवर, आपका डाइवर जो आता है दोस्तों ये आता है आपका ऑटोकार्ट एचपीएल डाइवर। अब एचपीएल डाइवर पे आपका ऊपर में देखिए आईसी का ऊपर में सब नाम लिखा है, नंबर लिखा है दोस्तों, हर चीज पे ब्रांडेड का ही हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि इसका जो कंपोनेंट होता है दोस्तों यही होता है ब्रांडेड का, ये भी ब्रांडेड का ही यूज करना चाहिए। इसलिए हम लोग ड्राइवर पे भी कोई कंप्रोमाइज नहीं करते, जो ये नहीं लगाऊंगा उस पे चल जाए। तो ये 5 साल जैसे टिके, ऑटो कार्ड बोलते हैं इसको, 5 साल टिके ऐसे ही बनाते हैं हम लोग जो कंप्लेंट ना आए, ठीक है। इसको 2 साल वारंटी देके मार्केट पे आप आराम से बेच सकते हो दोस्तों। इसका आपका देख सकते हो बहुत कंपोनेंट लगा हुआ है, जैसे एमओबी भी अच्छा हम लोग का ब्रांडेड एमओबी है, आप देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। और इसका कैपेसिटर भी देख सकते हो, इसका ट्राम कॉयल भी देख सकते हो, फिनिशिंग हम लोग का ट्राम कॉयल है, फ्यूज भी देख सकते हो दोस्तों, और इसका कॉयल भी देख सकते हो दोस्तों, जो रजिस्ट्रेशन कॉयल है। और हम लोग का वायर देख सकते हो दोस्तों, इसका एकदम मस्त, मतलब प्रोडक्ट एकदम कोई भी तरीके से इसको हम लोग कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि इसका लेंथ भी बहुत बढ़िया है, हर चीज हम लोग का क्वालिटी बेसिक से काम करते हैं, जो आगे वाले लेके नेक्स्ट टाइम ऑर्डर आराम से दे सकते हैं। और इसका आप देख सकते हो दोस्तों, इसका हम लोग का निकेल B22 कैप ओरिजिनल, इसका फिनिशिंग भी बहुत बढ़िया है, इसका देखने पे शाइनिंग है, जो मार्केट पे इधर बहुत कम मिलता है और हम लोग के पास से अवेलेबल मिल जाएगा। और इसका मजबूती देखिए दोस्तों, इसका बहुत मजबूत है, देखो दोस्तों बहुत मजबूत है इसका, ठीक है। बहुत ही आप नॉर्मल पे लोगे तो इस पे ऐसे दब जाएगा तो वो फिर उधर दाग पर जाता है, हम लोग का पेस्टिंग नहीं है, ओरिजिनल है, पूरा प्योर माल है, प्योर प्रोडक्ट है। इसका 2 कलर मिल जाएगा दोस्तों, एक व्हाइट पे आता है और दोस्तों ये देखो, और एक ब्लैक पे भी आता है, ठीक है दोस्तों। सेम 2 तरह का हम लोग के पास मिल जाएगा। और इसका ये वाला जो पिन है ऊपर में, ये भी आ जाता है, जो सोल्डिंग नहीं करना है, सोल्डिंग पे भी टाइम भी जाता है, पैसा भी फालतू खर्च होता है, तो एक में इसमें आ जाएगा। तो दोस्तों ये वाला होगा आपका टोटल सेट। अभी हम लोग इसको फिटिंग कैसे करें 9 वाट का, ये अभी आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। तो वीडियो पे बने रहे और लाइक और शेयर दबा के ठोक दीजिए दोस्तों, जाते आगे मैंने और भी जो दोस्त लोग नहीं जानते वो लोग वीडियो देख सकते हैं। और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जो सब्सक्राइब करने से मेरा जो पहले वीडियो आएगा आपका पहले ही चैप्टर में आपके पास पहले ही पहुंच जाएगा, तो इसलिए सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों। तो मैं शुरू कर रहा हूँ वीडियो को। तो दोस्तों आप देख सकते हो, अभी हम लोग ये ड्राइवर, पहले ड्राइवर को हाउसिंग में फिट कर लेंगे। तो ड्राइवर को हाउसिंग में फिट कैसे करेंगे, ये जो छोटा वाला ये जो होल देख रहे हो दोस्तों, इधर घाट है, ये घाट पे दोनों का 2 तरफ आराम से धकेल दीजिए अंदर में अच्छी तरह से। पहले ड्राइवर आपने लगा लिया दोस्तों, देख सकते हो ड्राइवर हम लोग फिटिंग कर लिए, ठीक है। ड्राइवर इधर से ये वाला जो है आउटपुट है, इनपुट है, और ये है आउटपुट, ये एमसीपीसी में लगेगा ब्लैक और रेड वाला,
ये एमसीपीसी में लगेगा, ये दो तार जो एक ही वायर है एक ही कलर का, ये बाहर में लगेगा इस पे निकल कैप पे। अभी इसको कैसे फिटिंग कर रहे हैं और भी दिखा रहा हूं दोस्तों। दोस्तों अभी ये एमसीपीसीबी और ये टिक्की, एमसीपीसीबी और टिक्की हम लोग अभी फिट कर लेंगे। तो एमसीपीसीबी टिक्की फिट करने से पहले आपको थोड़ा सा ये हम लोग का हीटिंग पेस्ट आता है दोस्तों, ठीक है। बहुत आदमी सिलिकॉन भी लगाते हैं, सिलिकॉन गम, और सिलिकॉन गम भी लगा सकते हो, उसके लिए स्क्रू नहीं चाहिए। हम लोग सिलिकॉन गम नहीं लगाएंगे, हीटिंग पेस्ट लगा के आपको दिखा रहा हूं अच्छा क्वालिटी में काम करके, ठीक है। तो दोस्तों ज्यादा मत लीजिएगा, थोड़ा सा लीजिए, ज्यादा मत लीजिए। ज्यादा लेने से क्या होता है, बाहर निकल जाता है तो वेस्ट होता है। और कम भी मत लगाइए, कम लगाने से क्या होता है उसका जो मेजरमेंट होता है वो नहीं हो पाता, इसलिए इसका जितना चाहिए उतना सही लगा लीजिए, अच्छे से लगा लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों अभी इसको क्या करना है, ये टिक्की में लगाने के बाद इसको स्क्रू से फिट कर लीजिए दोस्तों। दोस्तों ये भी स्क्रू इसमें फिट कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों इसका काम इसमें बन गया, ठीक है। अब चाहे तो ये वाला एक्स्ट्रा ये है तो इसको आप निकाल भी सकते हो। ये मैं बैठाने से पहले देखा नहीं दोस्तों, तो इसका कोई काम नहीं बनता, ठीक है। ये एक्स्ट्रा था, इसका ब्रांड का नाम लिखा होता है वो एमसीपीसी में, वो एक्स्ट्रा लगा है। तो दोस्तों ऐसे फिट हो जाएगा, अब देख सकते हो। अभी क्या करना है आपको दिखा रहा हूं। अभी दोस्तों देखो ये हाउसिंग जैसे फिट किया था पहले स्टेप में, सेकेंड स्टेप में फिट किया था मैं टिक्की और एमसीपीसी भी। तो अभी ये हाउसिंग और टिक्की एमसीपीसी भी एक साथ ऐसे डाल देंगे, ठीक है दोस्तों। बहुत इजी काम है, थोड़ा धीस धीस से काम करेंगे तो अच्छा काम सीख पाएंगे, ओके दोस्तों। अभी ये लग गया, अभी लगने के बाद ये देखिए इधर आइए, तो दोस्तों ये हम लोग का टिक्की मशीन है, टिक्की फिटिंग मशीन है दोस्तों। अभी इसमें हम लोग का क्या करेंगे, ये वाला इसमें डालने के बाद इस पे ये जो राउंड है ये राउंड पे सेट कर लीजिए आराम से, ठीक है दोस्तों। इजी काम दिखा रहा हूं आपको, अगर बहुत पहले पहले बहुत बंदा होता है जो इधर उधर हो जाता है, इसलिए मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, ऊपर में डालने के बाद ऐसे थोड़ा घुमा के देख लीजिए बराबर बैठा है। बैठने के बाद इसको इसको ऐसे पंच कर दो, इसको ऐसे नीचे में दबा देना, ठीक है दोस्तों। अभी देख सकते हो दोस्तों हम लोग का जो पंचिंग मशीन है, अभी देखो दोस्तों ये हम लोग का पूरा बराबर एकदम पंचिंग मशीन में फिटिंग हो गया, ठीक है दोस्तों। अभी जो वायर है ये वायर हम लोग का सोल्डिंग कर देना है। आप इसमें नेगेटिव पॉजिटिव जो है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूं उसको कैसे सोल्डिंग करता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, तो दोस्तों पहले ये जो वायर है थोड़ा सा हल्का दबा लो अंदर में, ठीक है दोस्तों। ये रेड वाला जो है ये दोस्तों प्लस होता है। आप दोस्तों देखो ये रेड वाला प्लस, इधर प्लस लिखा है और इधर माइनस लिखा है, चीज लिखा रहेगा आपको ये क्वालिटी में हम लोग का मिलता है। अब ये माइनस पे प्लस पे आपको प्लस लगा देना है, कैसे पकड़ना, अगर हाथ पे हीटिंग हो तो बहुत बंदा काम पहले पहले कर रहा है तो उसको चिमटी आता है ऐसे, हम लोग के पास भी मिल जाता है, अवेलेबल हर प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये चिमटी इधर लगाने के बाद दोस्तों क्या करना है, आपको थोड़ा गम ले लेना है, ये पेस्ट ले लेना है, ठीक है। आप सोल्डिंग पेस्ट लेने के बाद इस पे थोड़ा दबा देना,
दबाने के बाद दोस्तों देखो, ये सोल्डिंग में दबा दिया, इधर दबाने के बाद इसको जस्ट ऐसे टच किया, कितना अच्छा बैठ गया देखो दोस्तों। इसको सिर्फ टच करने में ही ये बढ़िया बैठ जाएगा, ठीक है। और हर टाइम दोस्तों कभी भी करना तो ये पेस्ट लगा देना, पहले पेस्ट लगा के ही काम करना है। पेस्ट लगाने से क्या होता है, बढ़िया बैठता है, उसको इधर उधर गम नहीं चला जाता है, वो बढ़िया सोल्डिंग होता है। अभी देखिए इसको कितना बढ़िया बैठ गया देखो। अब इसका ब्लैक भी सेम करूंगा दोस्तों, इस पे थोड़ा सा पेस्ट लगा देना दोस्तों। पेस्ट लगाने के बाद इसका ठीक मुंह पे रख के ऐसे इसको दबा देना हल्का। अब दोस्तों देख सकते हो इसका माने फिटिंग देखो दोस्तों, बहुत बढ़िया इसका फिटिंग बन गया। अब एक्स्ट्रा वायर जो है उसको अंदर में थोड़ा ढकेल देना है, और थोड़ा जो इसके ऊपर पेस्ट है दोस्तों, फिनिशिंग काम करना है, इसको थोड़ा क्लीन कर देना दोस्तों, ठीक है। ये देखो क्लीन करने के बाद एकदम साफ हो गया, इसको थोड़ा सा कपड़ा से आप क्लीन करके साफ सुथरा कर दीजिए। अभी इसका प्रोसेस खत्म हो गया दोस्तों, अभी इतना तक ये कम बन गया, ठीक है दोस्तों। अभी इसको क्या करेंगे हम लोग, ये जो पीछे वाला जो आपको दिखाए थे, हम लोग के पास जो B22 ओरिजिनल कैप है ये वाला, ठीक है दोस्तों, अभी इस पे डाल देंगे। अभी बहुत इजी काम है दोस्तों, दोनों पे आराम से डाल दो, इसका माइनस प्लस कुछ नहीं होता, इसको डायरेक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। फिर से दिखा दे रहा आपको, इस पे माइनस प्लस कुछ नहीं होता है दोस्तों, ये देखो डायरेक्ट ऐसे घुस गया पीछे वाला कैप। अब जो ये एक्स्ट्रा वायर होता है, ठीक है दोस्तों, ये एक्स्ट्रा वायर हम लोग काट लेंगे हम लोग का कटर से। इसका मुंह पे ऐसे रख के काट दो, ठीक है दोस्तों। इसका जो वायर है, ये वायर आपको इधर धकेल देना, धकेलने पर हम लोग का जो क्लिप आता है दोस्तों, ये देखो पिन आता है ऐसे, इसका सोल्डिंग का कोई झमेला नहीं रहता है, बहुत बढ़िया है, क्वालिटी में मिलता है हम लोग के पास। ये पिन इसके अंदर ऐसे दबा देना है, बहुत इजी काम है दोस्तों, देखो ये आराम से इसमें दब गया, ठीक है दोस्तों, दब गया। फिर दोबारा दूसरा वाला दबा देना, देखो दोस्तों ये भी इस पर फिटिंग हो गया। देखो दोस्तों अभी इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको पंचिंग कर लेंगे। पंचिंग कैसे करते हैं, हम लोग का पंचिंग मशीन भी दिखा रहा हूं आपको। ये देखो दोस्तों हम लोग का पंचिंग मशीन है, इस पे हम लोग कैसे पंचिंग करेंगे। अभी इसका जो घाट है, ये घाट पे आप लगा देना। और हर टाइम दोस्तों मैं बहुत वीडियो पे दिखाया, पहले वीडियो पे भी दिखाया था दोस्तों, ये जो ऊपर वाला पोजीशन है, ये ऊपर वाला पोजीशन ऐसे चाप के रखना है, ठीक है, क्योंकि ये हिल जाएगा तो नीचे वाला भी हिल जाएगा, और नीचे वाला हिल जाएगा तो इसका जो पोजीशन होता है ऐसे बराबर बैठते है, ये बराबर नहीं बैठेगा दोस्तों। तो क्वालिटी से काम करना है, ये जो मतलब रिपेयर भी करो, रेडी भी करो, वो भी क्वालिटी से करो, हर चीज क्वालिटी मेंटेन करके या बिजनेस करो, तब जाके आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। देखो एक बार मार दिए, आप देख सकते हो दोस्तों इसका बराबर, देखो कितना बढ़िया जैसे इसका फिटिंग हुआ दोस्तों, मतलब जैसे ब्रांड लुक जैसे आता है, ब्रांड लुक जैसे उसका हर चीज हम लोग मतलब ब्रांड के जैसे ही काम करते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी देखो इसका इधर तक रेडी हो गया, अभी इसका डिफ्यूजर लगा के आपको लास्ट फिनिशिंग दिखा दे रहा हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये हम लोग का डिफ्यूजर है, अभी ये डिफ्यूजर इसमें बैठ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे लेके इसको ऐसे दबा देना, बस दबाने के बाद ये आराम से इसका फिटिंग हो गया दोस्तों। क्वालिटी पे काम करोगे तो क्वालिटी वाला प्रोडक्ट हर टाइम आपको अच्छा ही देगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों ये आपका बन गया एकदम पूरा लाइट, ठीक है दोस्तों। अभी इसका लाइट में जला के आपको दिखा रहा हूं कैसे जल रहा है।
तो दोस्तों देख सकते हो ये हम लोग का लाइट आ गया। अभी इधर में लगा के आपको फिटिंग करके दिखा रहा हूँ इसका लाइट कैसे चल रहा है। देखो दोस्तों, मतलब ये ब्रांड जैसे लुक दे रहा है दोस्तों। इसका रोशनी देख सकते हो दोस्तों, 9 वाट का रोशनी, एकदम जैसे बढ़िया, मतलब जैसे सिस्का फ्लिप जैसे ब्रांड है वैसे ब्रांड पे आप काम करके अब बेच सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग का लाइट है 9 वाट का। अभी देख सकते हो दोस्तों ये बढ़िया फिट हो गया और बढ़िया काम हो गया। अभी इसका बॉक्स पैक कैसे करते हैं वो भी दिखा रहा हूँ दोस्तों। अभी इसका बॉक्स पैक देख लीजिए। अब दोस्तों ये बॉक्स है, ये हम लोग का ये वाला ये बॉक्स मिल जाएगा आपको, हर कलर में मिल जाएगा। बॉक्स भी बहुत वेराइटीज में हम लोग का आता है, आप चाहे तो खुद का ब्रांड पे भी हम लोग से मंगा सकते हो दोस्तों। ठीक है, अब ये बॉक्स हम लोग कैसे रेडी करते देख लीजिए। ये बॉक्स को पहले ये वाला जो पोजीशन है ये वाला डाल देना, फिर ये वाला जो पोजीशन है और ये वाला, ये दोनों एक साथ डाल देना दोस्तों। फिर लास्ट में ये वाला पोजीशन इस पे डाल दीजिएगा। ठीक है, तो देखो हम लोग का बॉक्स रेडी बन गया। अभी इसका जो हम लोग लाइट बनाए थे, अभी लाइट थोड़ा सा क्लीन करके दोस्तों, क्योंकि हम लोग का हाथ पे थोड़ा गम वम लग जाता है इसलिए थोड़ा क्लीन करके। ठीक है दोस्तों, अभी क्लीन करके पूरा फिनिशिंग बल्ब हो गया, पूरा फिनिशिंग देखो रेडी हो गया हम लोग का एलईडी लाइट। ठीक है, अभी इसको हम लोग बना के मतलब बॉक्स में आपको पैक कर देंगे। अभी ये बॉक्स पैक करने के बाद ये देखो हम लोग का बॉक्स पैक हो गया। अभी हम लोग दिखाएंगे हम लोग का बहुत प्रोडक्ट हो रहा है रेडी। ठीक है, ये आपका नेचुरल दिखाया जो 9 वाट कैसे बना के आप मार्केट पे होलसेलिंग व रिटेलिंग कर सकते हो दोस्तों। देखो हम लोग का एक ऑर्डर है, ठीक है, ये आज बन रहा है 100 पीस का HPL ड्राइवर में। ये देख सकते हो हम लोग का फिनिशिंग हो गया। अभी इसका और भी काम बाकी है, अब दिखा रहा हूँ एक एक प्रोसेस करके काम होता है हम लोग का। और देखो ये वाला ऐसे हम लोग का रेडी बल्ब बन जाता है, और भी दिखा रहा हूँ आपको दोस्तों। देखो दोस्तों 9 वाट का ऐसे भी मिल जाएगा आपको, ठीक है, ऐसे बॉक्स में भी आता है। आप 9 वाट का हम लोग का फिनिशिंग बॉक्स आता है, ये 1 ईयर वारंटी देके हम लोग मार्केट पे बेचते हैं। आप चाहे तो जितना ऑर्डर दे सकते हो हम लोग का ऑर्डर मिल जाएगा। इसका सील पैक एकदम बढ़िया जैसे सील पैक होके दोस्तों हम लोग मार्केट पे छोड़ते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो दोस्तों हम लोग का हर प्रोडक्ट सील पैक होके ये मार्केट पे छोड़ते हैं। ये 9 वाट का आज दिखाया दोस्तों, और आगे कमेंट कीजिए और कोई वीडियो चाहिए तो हम वो भी बना के आपको प्रोवाइड कर देंगे यूट्यूब में। तो दोस्तों हम लोग के साथ होलसेल रिटेल कुछ भी बिजनेस कर सकते हो दोस्तों। हर पार्ट हर प्रोडक्ट पे हम लोग बिजनेस करते हैं। ठीक है, ये हम लोग का देखो दोस्तों हर प्रोडक्ट पे रेडी बल्ब है, और चाहिए तो रॉ मटेरियल्स भी आपको अब दिखा रहा हूँ। ये देखो दोस्तों हम लोग का रॉ मटेरियल्स चाहिए तो रॉ मटेरियल्स ऐसे 9 वाट पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, आज 9 वाट के लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाया, बहुत आदमी का 9 वाट चाहिए, अच्छा क्वालिटी में चाहिए सर। बहुत बंदा फोन करके बोलते हैं सर मुझे ऐसे प्रोडक्ट दो जो खराब ना हो, 5 साल में मतलब दिखाई ना दे, तो मैं 1-2 साल वारंटी देके बेच सकता हूँ मार्केट पे। तो उन लोग के लिए वीडियो है, ये जो ऑटो कट है ये कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों, ये प्रोडक्ट अलग ही है। इस पे हर चीज एक ब्रांड क्वालिटी के साथ ही बना के हम लोग बेचते हैं, क्योंकि इसका अंदर जो पार्ट्स लगा हुआ है वही ब्रांड है।